जय हिंद। नमस्कार मेरे शेर सैन्य लाडू लाडली, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल कमांडो अकेडमी पर। दोस्तों आज का जो वीडियो हमारा, स्पेशली आप सबके सबसे ज्यादा जो कमेंट आ रहे हैं इस समय मेरे हर एक वीडियो के नीचे, ये कमेंट जरूर मिलेंगे कि सर एसएससी जीडी का इस बार का फिजिकल कब से शुरू होगा। आपके भी मन में हो ही रहा होगा, लड्डू फूट रहा होगा जिन बच्चों के नंबर अच्छे हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैंने कट ऑफ वाला वीडियो डाल दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना, उससे आपको काफी मदद मिल जाएगी। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, यहाँ दो चीज बताना हूँ। एक तो ये बता देता हूँ कि एसएससीडी का फिजिकल कब से शुरू होने के ज्यादा चांसेस है। दूसरा एक चीज और आप सबके लिए जरूरी, वो है कि एसएससीडी की जिन भी बच्चों के पेपर कट ऑफ के अनुसार देख लीजिए, जिनके नंबर अच्छे हैं उनको बता दूं कि हमने एसएससीडी का फिजिकल बेस शुरू कर दिया है, तो आप अकेडमी आ सकते हैं। स्पेशली पिछली बार भी हमारे पास में लगभग एसएससीडी फिजिकल के लिए 120 बच्चों के आसपास थे, और उनमें से दो तीन बच्चों ने छोड़ के लगभग लगभग सभी ने फिजिकल क्वालिफाई किया था। तो अगर आपके भी किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम है रनिंग में, तो आप अकेडमी आ सकते हैं। अगर आपके घर पे तैयारी नहीं हो रही फिजिकल की, तो भी आप अकेडमी आ सकते हैं। अब देखिए, आपका जो एग्जाम है वो 7 मार्च को खत्म हो जाएंगे। ठीक है, ज्यादातर चांस ये है कि 15 मार्च तक आपकी पहली और लास्ट आंसर की आने के चांस है। 15 से 20 मार्च के बीच में आपकी, ध्यान रखना, आंसर की आ जाएगी। आंसर की के 20 दिन के दौरान आपकी कट ऑफ, यानी जो आपके रोल नंबर है उनके आने के चांसेस हो जाएंगे, और पहली फिजिकल की कट ऑफ आने के भी चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, ये सब मैं इसलिए बता रहा हूं कि अगली वैकेंसी की जो डेट दे रखी है वो दे रखी है अगस्त, यानी अगस्त से पहले पहले एसएससीडी की ये भर्ती कंप्लीट होगी। एसएससी की आज तक ऐसा ही हुआ, आप सब जानते होंगे जो बच्चे पहले पेपर दिए, उन सबको पता है वैसे कि एसएससीडी पिछली भर्ती क्लोज करने के बाद ही अगली वैकेंसी निकालती है। तो आपके इस हिसाब से अगर हम देखें तो अप्रैल में आपकी डेट आ सकती है रनिंग की, अप्रैल में, यानी 15 अप्रैल के बाद में किसी भी समय आपको रनिंग की डेट आ सकती है। इसके लिए आपको तैयारी कर लेनी चाहिए। ठीक है, अप्रैल महीने से रनिंग के लिए आपके एडमिट कार्ड जारी होने लग जाएंगे, और अप्रैल और मई में आपके होंगे फिजिकल। ठीक है, फिर वापस मई लास्ट या जून फर्स्ट में आपकी मेडिकल कट ऑफ आएगी, और जून और जुलाई में, जून और जुलाई में होंगे आपके मेडिकल। फिर किन बच्चों का अगर रीमेडिकल लग गया तो फाइनल अगस्त से पहले पहले वो होने के, क्योंकि अब आजकल मेडिकल में क्या होता है, दो दिन का समय मिलता है, तो जुलाई के महीने में उसको क्लोज कर देंगे और अगस्त के महीने में आपका फाइनल रिजल्ट जारी हो जाएगा। ये इस बार की प्रोसेस रहने वाली है अकॉर्डिंग टू एसएससी जीडी के नियमों के अनुसार। ठीक है, तो आपके फिजिकल की ज्यादातर चांस है कि आपको अप्रैल के महीने में बुला सकते हैं या मई के महीने में, यानी अप्रैल में जारी हो सकती है डेटें कि किसका फिजिकल कब है। आपको यह भी पता होगा लड़कों के लिए 5 किलोमीटर की रनिंग है जिसका समय 24 मिनट का दिया जाता है, लड़कियों के लिए 1600 मीटर की रनिंग है जिसमें समय लगभग 8-8.5 मिनट का दिया जाता है। ठीक है, और इसके अलावा आपका हाइट चेक होगी और चेस्ट, लड़कों का यही चीजें चेक होती है, इसके अलावा कुछ नहीं होता, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं। ठीक है, मेरी जानकारी के अनुसार ऐसे होगा, बाकी अब कोई और बदलाव होगा तो ऐसे जी उसके लिए नोटिस डालेगी। भाई जय हिंद जय भारत।